तक भी बाबा ने सेवा की अंतिम घड़ी तक। दादी जी अपना अनुभव सुनाती थी। दादी तो बॉम्बे में रहती थी, मधुबन में तो रहती नहीं थी, मधुबन में तो दीदी रहती थी। तो दादी बॉम्बे से आई थी 14 तारीख को एक पार्टी लेकर के, विदेश की पार्टी। सभी सावित्री बहन राम और उनके मतलब परिवार वाले सब आए थे, बॉम्बे में आए थे, तो बाबा के पास लेकर आई। और 17 तारीख को सबको जाना था, तो बाबा ने दादी को रोका। बाबा ने कहा पार्टी को जाने दो, आप रुक जाओ, क्योंकि दीदी नहीं थी। तो दादी रुक गई और पार्टी चली गई। और 18 तारीख को तो आप जानते हैं सारा कैसे, सवेरे मुरली नहीं चलाई, परंतु दिन भर तो सवेरे की फिर थोड़ी चलाई मुरली दिन में। तो इसीलिए फिर उसके बाद कैसे, दादी जी बताती थी, बाबा ने मुझे 10 बजे बाबा ऑफिस में गए, सब पत्रों का जवाब दिया, एक पत्र नहीं छोड़ा। शनिवार का दिन था, वह एक पत्र नहीं छोड़ा। तो यीशु दादी ने बाबा को कहा, बाबा आज शनिवार है, कोई बात नहीं बाबा, कल करेंगे और पत्र। बाबा ने कहा नहीं, सब जवाब देना। फिर बाबा ने दादी को बुलाया और दादी को एक एक डिपार्टमेंट दिखाया। दादी जी यहाँ रहती नहीं थी इसलिए इतना सब पता नहीं था, परंतु एक एक डिपार्टमेंट दिखाया। लास्ट दिन 18 जनवरी एक एक डिपार्टमेंट दिखाया और एक एक से बात की और दादी को बताया सब, स्टॉक कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है, वो कहाँ रखते हैं, सब दिखाया। और सब फिर 4 बजे फिर पत्र आते थे, पोस्ट आती थी, तो बाबा फिर पहुँच गए। यीशु दादी कहे बाबा तबीयत तो ठीक नहीं थी, पर बाबा पहुँच गए। फिर यीशु दादी ने कहा बाबा कल करेंगे। बाबा ने कहा नहीं, सब पत्रों का जवाब देना है। तो बाबा ने कुछ भी नहीं छोड़ा। और लास्ट में कैसे जल्दी भोजन रखा 6:30 बजे, और 7:30 बजे के बाद जैसे बाबा गए, 7:45 बजे से 8:30 तक मुरली भी चलाई। और लास्ट में जो 3 शब्द कहे, बच्चे सदा निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना, अच्छा बच्चों से छुट्टी। इतने प्यारे बने, फिर एकदम कैसे न्यारे हो गए।